वेरी गुड आफ्टरनून एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द ब्यूटीफुल एस्पिरेंट्स। आप सभी खूबसूरत लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है लॉ एक्स बाय स्मार्ट कीड़ा की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां हम रोजाना दो इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस करते हैं। कल की क्लास हमारी अपलोड नहीं हो पाई थी किसी ग्लिच की वजह से, सो दैट वी डिसाइडेड कि कल की न्यूज एंड आज की न्यूज दोनों कंबाइन करके एक लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग 26 अप्रैल एंड 27 अप्रैल के इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेशन। सो आइए बढ़ते हैं पहली न्यूज की तरफ। द वेरी फर्स्ट न्यूज ऑफ टुडे सेशन आपके सामने ये रहा। पहला न्यूज देखिए आपके सामने क्या है। पहला न्यूज है यहाँ पे आईएलओ की एक रिपोर्ट आ रही है, जिस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि इस साल 70% वर्कर्स ऐसे होने वाले हैं ग्लोबली जिन्हें एक्सेसिव हीट का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर आईएलओ की रिपोर्ट है तो आईएलओ क्या है? सो आईएलओ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म आपको बताता है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लेबर्स के राइट के लिए फाइट करता है ना, लेबर के राइट के लिए, लेबर्स के राइट के लिए फाइट करता है, उनके लिए सेट ऑफ रूल्स बनाने का काम करता है। ठीक है, जिसे ऑर्गेनाइजेशंस को इंप्लीमेंट करने की जरूरत होती है। सो यहाँ पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है जो ये बता रही है कि 70% ऑफ द वर्कर्स ग्लोबली आर गोइंग टू बी एक्सपोज्ड बाय द एक्सेसिव हीट। हमने लगातार एक्सेसिव हीट की बात की, हमने एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का बात किया जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन की वजह से हो रहा है, जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो रहे हैं, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, गर्मी हो रही है, तो एक्सेसिव हीट देखने को मिल रहा है और इसी की वजह से 70% वर्कर्स जो है वो एक्सपोज होने वाले हैं ड्यूरिंग दिस समर। ठीक है, ये रिपोर्ट कौन बता रहा है? तो आईएलओ की रिपोर्ट ये बता रही है। आइए थोड़ा डेप्थ में चीजों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे न्यूज को, है ना, कि ये न्यूज क्या है। ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसे भी समझेंगे, कितने कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं इसे भी समझेंगे, एंड रिपोर्ट को समझेंगे जिस रिपोर्ट का टाइटल है इंश्योरिंग सेफ्टी। भैया सेफ्टी को इंश्योर करना, किसके सेफ्टी? तो लेबर्स के। यहाँ पे लेबर का मतलब ये नहीं है कि चौक पे खड़े लेबर की बात हो रही है, यहाँ पे लेबर का मतलब है हर वो व्यक्ति जिसको सैलरी मिलती है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए काम करता है। तो यहाँ पे इंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर लेबर एट वर्क इन अ चेंजिंग क्लाइमेट, है ना, लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इस दौरान उनकी सेफ्टी एंड हेल्थ को इंश्योर करना इसका, इस रिपोर्ट का टाइटल है। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूज को डिस्कस करते हैं। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैज पब्लिश्ड अ रिपोर्ट टाइटल इंश्योरिंग सेफ्टी एट एंड हेल्थ एट वर्क इन द चेंजिंग क्लाइमेट। तो भैया इस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया गया है बाय द आईएलओ। अब सबसे पहले आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। दिस पर्टिकुलर बॉडी वॉज क्रिएटेड इन द ईयर 1919 एज पार्ट ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस दैट एंडेड वर्ल्ड वॉर सेकेंड। आप सभी को पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसकी शुरुआत 1914 में होती है और ये 1918-19 तक चलता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर मैं बात करूं, तो इसकी शुरुआत 1935 में होती है, 1939 में होती है और ये 1944-45 तक चलता है। ठीक है, सो इन दिस पर्टिकुलर ईयर आईएलओ को स्टैब्लिश किया गया था एंड आईएलओ को स्टैब्लिश करने के लिए एक ट्रीटी साइन की गई थी जिसे हम ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के नाम से जाते हैं, ठीक है। To reflect the belief that a universal and lasting peace can be accomplished only if it is based on social justice. So, यहाँ पे ILO को establish किया गया after the First World War, ये ensure करने के लिए कि भैया जो लोग impact होते हैं, चाहे वो war से impact हो रहे हैं, चाहे वो climate change से impact हो रहे हैं, कौन से लोग? Labor, तो उनका, उनके rights को protect करने की जरूरत है। तो 1919 में Treaty of Versailles के साथ इसको establish कर दिया जाता है। In 1946, the ILO became a specialized agency of the United Nations. So, United Nations के बारे में हमने काफी बार बात की है। United Nations, which was established in the year 1945, इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलने वाला है ना? इसके छह प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। कितने प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं?
छह प्रिंसिपल ऑर्गन्स है और इसे स्टैब्लिश किया जाता है फॉर पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि पूरी दुनिया में पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए इसे स्टैब्लिश किया गया था। सो 1946 में आईएलओ पार्ट बन जाता है किसका, यूनाइटेड नेशंस का। द आईएलओ इज डिवोटेड टू प्रमोटिंग सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन एंड लेबर राइट्स, पर्सुइंग इट्स फाउंडिंग मिशन दैट लेबर पीस इज एसेंशियल टू प्रॉस्पेरिटी। सो यहां पे इसको स्टैब्लिश किया जाता है टू प्रमोट सोशल जस्टिस एंड लेबर राइट्स के लिए यहाँ पे फाइट करना, ठीक है। इसकी हेडक्वार्टर की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलेगा। तो पहले हमने समझा 1919 में एक बॉडी को स्टैब्लिश किया गया जो कि लेबर राइट्स के लिए फाइट करेगा, जिसे हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये 1946 में यूनाइटेड नेशंस का एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन बन जाता है। इसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलने वाला है। अब आगे समझते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएलओ, क्यों आईएलओ को एस्टैब्लिश किया गया, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। सो द आईएलओ हैज फोर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, इसके चार ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर वन ऑब्जेक्टिव, प्रमोट एंड रियलाइज स्टैंडर्ड्स एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट्स एट वर्क। भैया वो कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जिसे फॉलो करने की जरूरत है ना। अगर कोई व्यक्ति आपके यहाँ पे काम कर रहा है, लेट्स से मैं आपकी कंपनी में काम कर रहा हूं, तो कौन से वो स्टैंडर्ड है जो कि आपको फॉलो करने की जरूरत है। क्रिएट ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन एंड मेन टू डिसेंट एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। आईएलओ को एस्टैब्लिश करने के पीछे ये भी ऑब्जेक्टिव है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करना, है ना, किसके लिए, तो महिलाओं एंड पुरुष दोनों के लिए, यानी कि मेन एंड वुमेन के लिए इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। नंबर थ्री पॉइंट, एनहांस द कवरेज एंड इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल प्रोटेक्शन। सोशल प्रोटेक्शन ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है टू एस्टैब्लिश द आईएलओ। ऑल्सो स्ट्रेटनिंग थ्रू पार्टिज्म एंड सोशल डायलॉग। सो इसके चार ऑब्जेक्टिव है जिसकी वजह से आईएलओ को स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1919। अगर मैं इसकी मेंबरशिप की बात करूं तो आईएलओ के अंदर आपको 187 स्टेट मेंबर्स देखने को मिलेंगे, यानी कि यहाँ पे स्टेट का मतलब है 187 कंट्रीज यहाँ पे एज अ मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द आईएलओ एंड इट हैज बीन अ परमानेंट मेंबर ऑफ द आईएलओ गवर्निंग बॉडी सिंस 1922। सो 1919 में आईएलओ एस्टैब्लिश होता है, 1922 में इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर बन जाता है। The ILO constitution permits any member of the United Nations to become a member of ILO. So, यहाँ पे कोई भी कंट्री जो कि United Nations के अंदर उनका membership है, वो ILO का पार्ट अपने आप बन जाती है। To gain membership, a nation must inform the Director General that it accepts all the obligation of the ILO constitution. So, यहाँ पे ILO के कुछ set of rules है, और अगर आपको इसका मेंबर बनना है तो आपको आईएलओ के डायरेक्टर जनरल को, सॉरी यूएन के डायरेक्टर जनरल को ये इन्फॉर्म करना होगा कि हम आईएलओ के सभी शर्तें, सभी जो क्राइटेरियाज है उसको फॉलो करने को तैयार हैं, और अल्टीमेटली आप इसके मेंबर बन जाओगे। तो मेंबरशिप ऑफ आईएलओ, आई गेस यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। अब समझते हैं इस रिपोर्ट के बारे में, ये रिपोर्ट क्या कह रहा है। रिपोर्ट का नाम है इंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन अ चेंजिंग क्लाइमेट। The ILO published this report to bring attention to the global health threat workers are currently facing. So, यहाँ पर इस report को present करने का main motive है कि लोगों को ये awareness फैलाना, globally ये awareness पहुँचाना, globally ये alert पहुँचाना कि भैया जो workers है ना, वो आने वाले time पे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली है due to extreme weather condition. A scoping exercise was conducted to identify the most recent trend and priority for climate change and worker safety and health. Based on the available evidence, the report addresses the following key issues. So, yahan pe is report ne kuch key points ko address kiya hai, jaise excessive heat. Theek hai? Excessive heat is a problem for the laborers, theek hai? For the working people. Ultraviolet radiation, ye ozone layer ko deplete karta hai. जब ओजोन लेयर डिप्लीट होता है तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है ये आपके स्किन ऑल को जो है वो अफेक्ट करने वाले हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, बारिश हो रही है तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, गर्मी हो रही है तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। वर्क प्लेस एयर पॉल्यूशन, है ना, वर्क प्लेस में होने वाले एयर पॉल्यूशन को भी यहाँ आइडेंटिफाई किया जा रहा है। वेक्टर बॉर्न डिजीज एंड एग्रोकेमिकल्स, तो यहाँ पे इस रिपोर्ट ने कुछ की इश्यूज को हाईलाइट किया है और लोगों के सामने रखा है कि देखिए भैया ये मेजर इश्यूज है जो कि आने वाले टाइम पे जो लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो फेस करने वाले हैं।
अब देखिए यहाँ पे की हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट में आप देखोगे कि शेयर ऑफ ग्लोबल वर्कर्स एक्सपोज टू द वाइड स्प्रेड हजार्ड हैज राइजन बाय अराउंड 5%। तो आप देखोगे कि भैया फिलहाल 70.9% ऐसे वर्कर्स हैं जो कि आने वाले टाइम पे एक्सेसिव हीट का सामना करने वाले हैं, एक्सेसिव हीट का सामना करने वाले हैं, और ये पिछले रिपोर्ट से 5% एक्स्ट्रा है, यानी कि लगातार ये बढ़ता जा रहा है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एयर पॉल्यूशन ईच अफेक्ट 1.6 बिलियन पीपल, है ना, जो यूवी रेस है ठीक है प्लस एयर पॉल्यूशन है, ये लगभग 1.6 बिलियन लोगों को इंपैक्ट करता है। क्लाइमेट रिलेटेड हैजार्ड आर बीइंग लिंक्ड टू कैंसर किडनी डिसफंक्शन एंड रेस्पिरेटरी इलनेस। तो भैया क्लाइमेट रिलेटेड जो हैजार्ड्स होते हैं उसकी वजह से किडनी के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, किडनी के डिसफंक्शन हो रहा है, कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। कॉकटेल ऑफ हैजार्ड, है ना, मिक्सचर ऑफ हैजार्ड की बात करूं तो यहाँ पे वर्क प्लेस एयर पॉल्यूशन से होने वाली डेथ्स कितनी है, 1,60,000। ये वो डेथ है जो कि वर्क प्लेस में होने वाली एयर पॉल्यूशन की वजह से है। एग्रोकेमिकल्स से होने वाली डेथ 3 लाख है, एक्सेसिव हीट से होने वाली डेथ 18,000 है, यूवी रेडिएशन से होने वाली डेथ 18,000 है, वेक्टर बॉर्न डिजीज से होने वाली डेथ 15,000। तो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में ये बताया गया कि भैया किससे कितनी डेथ हो रही है। ये बताया गया कि पिछले साल जब इस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया गया था तब 65% लोग एक्सेसिव हीट से इंपैक्ट हो रहे थे और अब 70% लोग इंपैक्ट हो रहे हैं, यानी कि ये बढ़ता जा रहा है। ऑल्सो यहाँ पे बताया गया कि क्लाइमेट रिलेटेड हजार्ड से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है और कितने लोगों की जान जा रही है किस हजार्ड से, ये भी बात कही गई है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में। बिलियंस ऑफ वर्कर्स आर एक्सपोज टू हैजार्ड एक्सेसिबिलेटेड बाय क्लाइमेट चेंज, वर्कर्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स आर एक्सपोज टू दिस हैजार्ड, बट सम वर्कर्स सच एज एग्रीकल्चर वर्कर्स एंड अदर आउटडोर वर्कर्स कैरिंग आउट हैवी लेबर इन हॉट क्लाइमेट्स आर पर्टिकुलरली एट रिस्क। भैया देखो वैसे तो एक्सेसिव हीट से सभी परेशान है, बट वो वर्कर्स जो कि फार्म में काम करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड में काम करते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो रहे हैं इस पर्टिकुलर क्लाइमेट चेंज की वजह से। स्ट्रॉन्ग एविडेंस डेमोंस्ट्रेट्स दैट न्यूमरस हेल्थ कंडीशंस इन वर्कर्स हैव बीन लिंक्ड टू क्लाइमेट चेंज इंक्लूडिंग कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, रेस्पिरेटरी इलनेस, किडनी डिसफंक्शन एंड मेंटल हेल्थ कंडीशन अमंग मेनी अदर्स। तो यहाँ पे बहुत सारी एविडेंस ये बताती है ड्यू टू क्लाइमेट रिलेटेड हैजार्ड, है ना, जो वर्कर्स है ठीक है उनको इन सब बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें आपको मेंटल हेल्थ कंडीशंस, किडनी डिसफंक्शन, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, रेस्पिरेटरी इलनेस, ये सारी चीजें। एवरी ईयर एन एस्टिमेटेड ऑफ 22.85 मिलियन ऑक्यूपेशनल इंजरीज, हर साल ऑक्यूपेशनल इंजरीज 22.85 मिलियन होती है, 18,970 डेथ होते हैं, 2.09 मिलियन डिसेबिलिटी होती है भैया ठीक है, are attributable to excessive heat and alone. So excessive heat की वजह से impact होने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। Thousands more die from pesticide poisoning, workplace air pollution, solar UV radiation, है ना? So आप देखोगे pesticide poisoning की वजह से बहुत सारे लोगों की जान जाती है, workplace में होने वाली air pollution की वजह से भी काफी लोगों की जान जाती है, and also ultraviolet radiation की वजह से भी काफी लोगों की यहाँ पे जान जाती है। तो ये कहना है किसका, आईएलओ ने जो रिसेंटली अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट किया है उसमें ठीक है। अब सेशन से रिलेटेड कुछ आपके मन में डाउट्स आ सकते हैं, सो उन डाउट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चंस रखता हूं। तो आइए पहला क्वेश्चन है हु स्टार्टेड लेबर डे इंडिया, भैया लेबर डे की शुरुआत कब से हो रही है, सो इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे। इंडिया बिगन सेलिब्रेटिंग लेबर डे ऑन 1 May 1923 इन चेन्नई एंड इज ऑल्सो नोन एज कामगार दिवस, कामगार दिन एंड अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस। तो यहाँ पे देखिए नेशनल लेबर डे को हम तीन नाम से जानते हैं, पहला नाम है कामगार दिवस, दूसरा है कामगार दिन एंड तीसरा है अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस। द डे वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान एंड इट इज कंसिडर्ड अ नेशनल हॉलीडे इन द कंट्री। सो याद रखने वाली बात है कि लेबर डे हर साल इंडिया में कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1 May को। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इंटरनेशनल लेबर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है,
ये तो नेशनल लेबर डे हो गया, इंटरनेशनल लेबर डे हर साल हम कब सेलिब्रेट करते हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप इसका आंसर आराम से दे सकोगे। उसके बाद व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन? भैया नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? सो इंश्योरिंग हाई क्वालिटी ट्रेनिंग स्टैंडर्ड थ्रू हाई क्वालिटी टीचिंग एंड बेंचमार्क इंस्टीट्यूशंस अकॉर्डिंग टू नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड व्हिच रिजल्ट इन अ हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स एंड ग्लोबल जॉब अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन को लॉन्च किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी मेन ऑब्जेक्टिव है स्किल सेंटर्स को खोलना, लोगों को स्किल प्रोवाइड करना ताकि उनको बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सके। ठीक है, तो ये हमारा आज का पहला न्यूज था। आई होप पहला न्यूज आप सभी को कंफर्म हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगली न्यूज की तरफ। अगला न्यूज फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। ये टॉपिक है प्लास्टिक पॉल्यूशन, है ना। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कनाडा के अंदर एक मीटिंग होने वाली है, ये फोर्थ नेगोशिएशन मीटिंग होने वाली है, जहां पे प्लास्टिक से रिलेटेड दिक्कतों से के ऊपर बातें की जाएगी। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर न्यूज को। सो व्हाट डू कंट्रीज एंड कंपनीज वांट इन ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी टॉक्स? सो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी टॉक कहां पे हो रहा है? कनाडा के अंदर। ठीक है, और ये फोर्थ नेगोशिएशन है, आपको याद रखनी है, ये इसका फोर्थ नेगोशिएशन। तो यहां पे इस न्यूज का टाइटल है कि भैया कंट्रीज एंड कंपनीज क्या चाहती है इन द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी टॉक्स। आई सबसे पहले इस आर्टिकल में हम किन किन बातों पे फोकस करेंगे, तो सबसे पहले तो भैया न्यूज को डिस्कस करेंगे। ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ ऑर्गेनाइजेशन जो कि इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, विच वी कॉल एस यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट असेंबली। प्लास्टिक ट्रीटी टॉक्स इसके बैकग्राउंड को समझेंगे, प्रॉब्लम विद द प्लास्टिक्स इसे भी समझेंगे। आइए, सो न्यूज क्या है? ग्लोबल लीडर्स विल गैदर इन कैनेडाज कैपिटल ओटावा to discuss progress in drafting a first ever global treaty to rein in soaring plastic pollution by the end of the year. This treaty is expected to be finalized by the end of this year. तो यहाँ पे कनाडा के अंदर ग्लोबल लीडर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जहां पे प्लास्टिक पॉल्यूशन को इराडिकेट करने के लिए मेजर स्टेप्स लिए जाएंगे। ये मेजर स्टेप्स इस साल के अंत तक ले लिए जाएंगे। इफ नेगोशिएटेड एंड अग्रीड, भैया ऐसा तो है नहीं सारी कंट्रीज मान जाएंगी, कुछ कंट्रीज नहीं भी मानेंगी। इफ नेगोशिएटेड एंड अग्रीड अपॉन बाय द मेंबर्स, दिस ट्रीटी कुड बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट डील रिलेटिंग टू क्लाइमेट वार्मिंग एमिशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सिंस 2015 पेरिस एग्रीमेंट। ये 2015 वाली पेरिस एग्रीमेंट को ही हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 की मीटिंग के नाम से जानते हैं। सो यहां पे देखिए, अगर सभी मेंबर कंट्रीज प्लास्टिक पॉल्यूशन को इराडिकेट करने के लिए जो बातें होंगी, जो डिसीजन लिए जाएंगे, उन डिसीजन में हामी भर देते हैं, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन स्टेप होने वाला है। और ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होगा, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव होगा, ठीक है, जो कि क्लाइमेट प्रोटेक्शन की तरफ होगा। यानी कि क्लाइमेट प्रोटेक्शन की तरफ दूसरा सबसे बड़ा स्टेप हमारा ये होने वाला है। किसके बाद? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, जिसकी मीटिंग पेरिस में होती है। अब समझते हैं कि व्हाट इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली। सो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली, नाम से आपको पता चल रहा है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये काम करता है। सो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑन द एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट के ऊपर, एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी इंडिया के अंदर, सॉरी वर्ल्ड के अंदर, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली एंजॉयज द यूनिवर्सल मेंबरशिप ऑफ 193 यूएन मेंबर स्टेट्स एंड द फुल इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेजर ग्रुप्स एंड स्टेक होल्डर्स। तो यहाँ पे आपको 193 कंट्रीज एज अ मेंबर देखने को मिलेगी, जो कि यूएन के भी पार्ट है। इट गैदर्स मिनिस्टर्स ऑफ एनवायरमेंट इन नैरोबी केन्या एवरी 2 ईयर्स। तो यहाँ पे हर 2 साल में केन्या के नैरोबी शहर के अंदर इसकी मीटिंग होती है, जहां पे एनवायरमेंट मिनिस्टर ऑफ 193 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। अब इसकी क्रिएशन की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली वाज क्रिएटेड इन द ईयर 2012 एज एन आउटकम ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो 20 हेल्ड इन ब्राजील। सो यहां पे इसे एस्टैब्लिश किया जाता है 2012 में। किस लिए? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, एनवायरमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए, आफ्टर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द ईयर
विच वॉज हेल्ड इन ब्राजील। अब इसके फंक्शन क्या है भैया? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली सेट्स द ग्लोबल एनवायरमेंटल एजेंडा। तो भैया ये ग्लोबल एनवायरमेंटल एजेंडा को फिक्स करने का काम करता है कि भैया एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए ये एजेंडा है, ये स्टेप्स हमें लेने की जरूरत है। प्रोवाइड्स ओवरआर्किंग पॉलिसी गाइडेंस, है नहीं? डिफाइंस पॉलिसी रिस्पॉन्सेज टू एड्रेस एमर्जिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस। तो इसका काम है कि भैया एजेंडा क्रिएट करना, किससे रिलेटेड? तो एनवायरमेंट से रिलेटेड, कैसे हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या एनवायरमेंट से होने वाली दिक्कतों को कैसे हम इराडिकेट कर सकते हैं। अब समझते हैं प्लास्टिक ट्रीटी टॉक्स और इसके बैकग्राउंड के बारे में, ठीक है? So at the UN Environment Assembly in 2022, the world's nations agreed to develop a legally binding agreement by the end of 24 to address the world's plastic pollution crisis. So 2022 में एक मीटिंग होती है जहां पे डिसाइड किया जाता है कि 2024 के एंड तक सभी मेंबर कंट्रीज, यानी कि 193 कंट्रीज मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस विल पार्टिसिपेट इन अ मीटिंग जहां पे हम लोग मेजर स्टेप्स लेंगे, है ना? और मेजर स्टेप्स किससे रिलेटेड होगा? तो कैसे हम प्लास्टिक पॉल्यूशन को इराडिकेट कर सकते हैं, उससे दिक्कतों से बच सकते हैं। द ट्रीटी इज मेंट टू एड्रेस प्लास्टिक थ्रू देयर एंटायर लाइफ साइकिल फ्रॉम व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड टू हाउ दे आर यूज्ड एंड देन डिस्पोज ऑफ। तो यहाँ पे देखिए इस ट्रीटी के अंदर प्लास्टिक की पूरी इंटायर लाइफ साइकिल के बारे में हम चर्चा करेंगे, कैसे वो पॉलीमर्स के थ्रू बनाए जाते हैं, कैसे वो डिस्पोज ऑफ होते हैं, कैसे वो यूज किए जाते हैं, ठीक है? अब समझते हैं प्लास्टिक से प्रॉब्लम क्या है भैया, क्यों प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एनवायरमेंट पॉल्यूशन के लिए, क्यों ऐसा है? सो यहां पे प्लास्टिक जो है ये सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है। कैसे? प्लास्टिक वेस्ट हैज बिकम अ ग्लोबल मेनेंस पॉल्यूटिंग लैंडस्केप एंड वाटरवेज। प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक इन्वॉल्व्स रिलीजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। जब हम प्लास्टिक को बनाते हैं, पहली चीज जब हम प्लास्टिक को बनाते हैं किससे? पॉलीमर्स से। पॉलीमर्स कैसे बनेगा? तो हम जब फ्यूल को जलाते हैं, जब फ्यूल जलेगा तो भैया फ्यूल अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिलीज करेगा, अल्टीमेटली ग्रीन हाउस गैस को रिलीज करेगा। ग्रीन हाउस गैस जो कि ग्लोबल वार्मिंग में अपना इम्पैक्ट डालता है, ग्लोबल वार्मिंग में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, एनवायरमेंट का दूषित होना, पॉल्यूट होना, ये सब कुछ इसके रीजन होते हैं। सो यहाँ तो एक तो प्लास्टिक हजारों साल बाद डिस्पोज होता है, दूसरा इसे हम रिसाइकल नहीं कर पाते, तीसरा प्लास्टिक्स जब बनाए जाते हैं इसका जो प्रोसेस होता है उसमें बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन इन ग्लोबल कार्बन एमिशन। The plastic industry now accounts for 5% of the global carbon emission, which could grow to 20% by 2050 if current trend continue. So, यहाँ पे let's say पूरी दुनिया 100 कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रही है, पूरी दुनिया 100 कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रही है, out of this 100 कार्बन डाइऑक्साइड 5 कार्बन डाइऑक्साइड अकेले प्लास्टिक से ही रिलीज हो रहा है ना? और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये मेजर सोर्स है किसका? ग्रीन हाउस गैस का। तो 5 कार्बन डाइऑक्साइड अकेले प्लास्टिक से ही हो रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 2050 तक ये 20% बनने वाला है आउट ऑफ 100%। इंक्रीज प्लास्टिक प्रोडक्शन। प्लास्टिक प्रोडक्शन इज ऑन ट्रैक टू ट्रिपल बाय 2060 अनलेस द ट्रीटी सेट्स प्रोडक्शन लिमिट एज सम हैव प्रपोज्ड। मोस्ट वर्जिन प्लास्टिक इज डेराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। So, यहां पे देखिए प्लास्टिक का प्रोडक्शन, क्योंकि देखिए डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, प्लास्टिक के इस्तेमाल, प्लास्टिक के चम्मच, प्लास्टिक के बर्तन, बहुत सारी चीजें में होता है। कोको कोला एनॉल की जो कंपनीज है वो भी प्लास्टिक की बॉटल्स का इस्तेमाल कर रही है। तो डेवलपमेंट के साथ साथ प्लास्टिक की जरूरत भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्रीटी में, इस पर्टिकुलर नेगोशिएशन में ये डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैसे हम प्लास्टिक का ऑल्टरनेटिव ढूंढे, कैसे हम प्लास्टिक को रिसाइकल करें, है ना? जैसे हम प्लास्टिक का चम्मच इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक के चम्मच हम को एक बार हम इस्तेमाल करते हैं और उसे फेंक देते हैं। अब भैया उससे डिस्पोज ऑफ होने में सालों साल लग जाते हैं, हजारों साल लग जाते हैं, तो क्यों ना इसको रिसाइकल कर लिया जाए, ठीक है? सो प्लास्टिक प्रोडक्शन इज ऑन ट्रैक टू ट्रिपल बाय 2060 तक प्लास्टिक का जो प्रोडक्शन है ये 3 गुना बढ़ने वाला है
अनलेस अनटिल अगर हम कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ लिमिटेशंस ना लगाए, है ना, या फिर रिसाइकलिंग करने के तरीके ना ढूंढे। अब नेगोशिएशन इन ओटावा, ओटावा में जो ओटावा कनाडा के अंदर जो मीटिंग होने वाली है, जो नेगोशिएशन होने वाली है, जो इसकी फोर्थ मीटिंग होगी, वहां पे क्या क्या चैलेंजेस होने वाले हैं। सो कंट्रीज हैव बिकम डिविडेंट ऑन द इश्यूज ड्यूरिंग थ्री प्रीवियस राउंड ऑफ टॉक्स हेल्ड इन पुंटा डेल स्टे व्हिच इज इन उरुग्वे, पेरिस एंड मोस्ट रिसेंटली इन नैरोबी। सो यहाँ पे चैलेंज ये है भैया, मैंने आपको बताया कि तीन मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, फोर्थ मीटिंग कैनेडा के अंदर हो रही है ना। पहली मीटिंग हुई थी उरुग्वे के अंदर, सेकंड मीटिंग पेरिस के अंदर, थर्ड मीटिंग नैरोबी केन्या के अंदर हुई थी। एट द नैरोबी टॉक्स इन नवंबर 2022 द ड्राफ्ट ट्रीटी अंडर रिव्यू बलून फ्रॉम 30 पेजेस टू 70 एज सम कंट्रीज इंसिस्टेड ऑन इंक्लूडिंग देयर ऑब्जेक्शंस टू मोर एम्बिशियस मेजर्स लाइक प्रोडक्शन लिमिट एंड फेज आउट। तो यहाँ पे देखिए 30 पेजेस का हुआ था कि भैया ये सजेशंस हैं कैसे प्लास्टिक पॉल्यूशन को इरेडिकेट कर सकते हैं, बट ये 30 पेजेस का जो सॉल्यूशन है वो 70 पेजेस किया गया। कंट्रीज आर नाउ अंडर प्रेशर टू फाइंड कॉमन ग्राउंड बिफोर द फाइनल नेगोशिएशन आर हेल्ड इन दिसंबर इन बुसान साउथ कोरिया। तो यहाँ पे देखिए फाइनल एंड फिफ्थ नेगोशिएशन बुसान साउथ कोरिया में 2024 यानी कि इसी साल होने वाला है। अब व्हाट डू कंट्रीज वांट इन दैट ट्रीटी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब ये कंट्रीज और कंपनीज इस ट्रीटी से क्या डिमांड कर रही है, क्या चाहती है। सो यहां पे डिमांड ऑफ ग्रुप लाइक माइंडेड कंट्रीज, मेनी प्लास्टिक एंड पेट्रोकेमिकल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैव अपोज्ड मेंशनिंग प्रोडक्शन लिमिट्स। तो यहां पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज है एंड कंट्रीज है जिनकी इकोनॉमी प्लास्टिक से ही चल रही है, वो इनके प्रोडक्शन को लिमिटेड करने के लिए ऑब्जेक्शन कर रही है। लेट्स से मैं कोई कंपनी हूं, मैं कोको कोला कंपनी हूं, और आपने भैया इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि प्लास्टिक की सारी बॉटल्स बंद कर दो, तो मेरे लिए तो बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी, ठीक है। दिस कंट्रीज इंक्लूड सऊदी अरेबिया, ईरान, चाइना एंड आर नोन कलेक्टिवली एज अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड कंट्रीज। तो कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो प्लास्टिक के प्रोडक्शन को कम नहीं करना चाहती हैं। डिमांड्स ऑफ हाई एम्बिशन कोलिशन, द 60 नेशन हाई एम्बिशन कोलिशन विच इंक्लूड्स यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, आइलैंड नेशंस, जापान एंड द यूएई वांट्स टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन बाय 2040। कुछ ऐसे कोलिशन बनी है, कुछ ऐसे कंट्रीज की कोलिशन या कुछ ऐसे कंट्रीज की ग्रुप आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपको 60 मेंबर्स कंट्रीज देखने को मिलेगी जो कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को 2040 तक खत्म करना चाहती है। दिस कोलिशन आर कॉल्ड फॉर कॉमन लीगली बाइंडिंग प्रोविजन फॉर रिस्ट्रेन एंड रिड्यूस द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ प्राइमरी प्लास्टिक पॉलीमर्स टू सस्टेनेबल लेवल। दे ऑल्सो आर प्रपोजिंग मेजर्स सच एज फेजिंग आउट प्रॉब्लमेटिक सिंगल यूज प्लास्टिक एंड बैनिंग सर्टन केमिकल एडिटिव्स दैट कुड कैरी हेल्थ रिस्क। तो यहाँ पे देखिए कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो बोल रही हैं कि भैया प्लास्टिक के प्रोडक्शन को कम नहीं करना है। कुछ कंट्रीज ऐसी है जिन्होंने एक ग्रुप बना लिया है, कोलिशन बना लिया है, जहां पे 60 कंट्रीज देखने को मिलेगी, जहां पे आपको यूरोपियन यूनियन भी देखने को मिलेगा, जो ये कह रही है कि प्लास्टिक के प्रोडक्शन को कम करने की जरूरत है। वॉट डज द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री वो, अब पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री क्या 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 डिमांड कर रही है। द मेजर पेट्रोकेमिकल प्रोड्यूसर्स आर्ग्यू दैट प्रोडक्शन कैप वुड लीड टू हायर प्राइस फॉर कंज्यूमर। अगर हम प्रोडक्शन कम करेंगे तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमी का कंसेप्ट है, प्रोडक्शन कम होगा। सपोज लेट्स से आम का सीजन चल रहा है, पर आम के सीजन के दौरान मार्केट में सिर्फ एक दुकानदार बैठा है, तो भैया एक दुकानदार बैठेगा तो मोनोपोली होगी। जितना ज्यादा डिमांड होगा, अगर सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है तो चीजों की दाम बढ़ती है। तो यहां पे अगर प्रोडक्शन कम करेगा तो प्राइजेस कंज्यूमर के लिए बढ़ने वाले हैं, ऐसा कहना है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का। द ट्रीटी शुड एड्रेस प्लास्टिक ओनली आफ्टर दे आर मेड। दिस कंपनीज वांट टू फोकस ऑन इंकरेजिंग द रीयूज और रीसाइक्लिंग ऑफ द प्लास्टिक एंड ऑन डेवलपिंग द मार्केट फॉर बर्निंग प्लास्टिक एज फ्यूल। तो यहां पे ये जो कंपनीज है पेट्रोकेमिकल कंपनीज, ये चाहती है कि भैया प्लास्टिक का रीयूज किया जाए, प्रोडक्शन को कम ना किया जाए। In terms of transparency about chemicals used in production, the group says companies should be allowed to disclose those chemicals voluntarily. तो यहाँ पे देखिए बहुत बार ऐसा भी बोला जाता है कि प्लास्टिक को बनाने के दौरान ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हेल्थ को इफेक्ट करते हैं या इम्पैक्ट करते हैं, तो ऐसे केमिकल्स के बारे में चीजों को डिस्क्लोज करने की भी जरूरत है। अब कॉरपोरेट क्या चाहती है भैया, मोर देन 200 कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज इंक्लूडिंग यूनिलीवर, पेप्सिको एंड वॉलमार्ट हैव जॉइंड द सो कॉल्ड बिजनेस कोलिशन फॉर अ प्लास्टिक ट्रीटी।
Like the petrochemical industry, these companies that rely on plastic packaging for the product have been a major presence in the plastic negotiation, यानी कि इन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया. But they support a treaty that includes production caps, use restrictions and phase out reuse policies, product design requirement, extended producer responsibility and waste management. तो यहाँ पे जो corporates हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो यहाँ पे रीयूज के ऊपर फोकस कर रही है, रीब्रांडिंग के ऊपर फोकस कर रही है, एंड साथ ही साथ इन लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया है इस पर्टिकुलर नेगोशिएशन में. ठीक है, तो ये हमारा आज का दूसरा न्यूज था. अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके मन में आ सकते हैं, तो उसे फटाफट से डिस्कस करते हैं. व्हाट आर सिंगल प्लास्टिक्स? सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स इंक्लूड्स प्लास्टिक एंड पॉलिस्ट्रीन फूड एंड बेवरेज कंटेनर्स. जैसे बॉटल्स हुआ, ये प्लास्टिक के बनते हैं, स्ट्रॉज है प्लास्टिक के, कप्स प्लास्टिक के, प्लेट्स प्लास्टिक के, स्पून प्लास्टिक के. ठीक है, तो ऐसे प्लास्टिक्स जिसे हम एज अ डिस्पोजेबल यूज करते हैं, यानी कि जिसे हम वन टाइम यूज करते हैं. बॉटल्स को जनरली हम क्या करते हैं, एक बार पी के फेंक देते हैं, प्लास्टिक के स्पून को एक बार यूज करके फेंक देते हैं. तो भैया इसे हम सिंगल यूज प्लास्टिक कह रहे हैं, और इसका बैन होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया. What is 2015 Paris Agreement? मैंने आपको बताया कि अगर ये negotiation में सभी countries मान जाती हैं और एक single blueprint तैयार किया जाता है कि कैसे plastic के pollution को eradicate किया जाएगा, तो ये सबसे बड़ा step होगा, यानी कि second सबसे बड़ा step होगा after Paris Agreement, जो कि 2015 में होता. The Paris Agreement is an international treaty on climate change that was adopted in 2015 at the United Nations Climate Change Conference, Conference of Paris 21. So, COP21 Paris में 2015 में ये conference होता है, जहां पे climate change related major steps को adopt किया गया था. ठीक है, कि कैसे climate change को eradicate कर सकते हैं. So, this was our सेकेंड न्यूज. अब बढ़ते हैं अपने तीसरे न्यूज की तरफ. देखिए, लगातार आप सभी को पता है कि इलेक्शंस होने वाले हैं, है ना, इलेक्शंस चल रहे हैं. बल्कि कितने सीट्स पे इलेक्शंस हैं? 543 सीट्स पे इलेक्शंस हैं. ठीक है, फर्स्ट फेज 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज का इलेक्शन हो चुका है. ठीक है, और ये कब तक चलने वाला है? 1 जून तक चलने वाला है. ठीक है, जो रिजल्ट्स होंगे इलेक्शन के, जो रिजल्ट्स होने वाले हैं, ये 4 जून को आने वाले हैं. कब आएंगे? 4 जून को आने वाले हैं. सो यहां पे वीवीपैट, ईवी यानी कि सॉरी ईवीएम, इसके ऊपर काफी ज्यादा चर्चा हो रही. अगर आपको याद हो, रिसेंटली हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था या एक न्यूज डिस्कस किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पीआईएल फाइल किया जाता है और कहा जाता है कि देखिए जनरली क्या होता है. लेट्स से, फिर से एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको. लेट्स से ये ईवीएम है, ठीक है, ये है वीवीपैट. लेट्स से ये ईवीएम है, ये है वीवीपैट, और एक और मशीन होती है जो कि रिटर्निंग ऑफिसर के पास होता है, जो ऑफिसर इलेक्शंस को देखता है आपके यहाँ पे. ठीक है, अब लेट्स से आपने यहाँ पे वोट दिया, है ना, ईवीएम में भैया आपको ए बी सी डी नाम की बंदे मिलेंगे. ठीक है, उनका यहाँ पे आपको सिंबल मिलेगा, उनका नाम मिलेगा, किस पॉलिटिकल पार्टी से वो मिलेगा, एंड सीरियल नंबर मिलेगा. लेट्स से आपने यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक कर दिया, कि भाई बी ऑप्शन पे आपने बटन दबा दिया. अब वीवीपैट क्या करेगा? वीवीपैट जिनको आपने वोट दिया है, ये चीज कंफर्म करने के लिए सेम चीज यहाँ पे शो करेगा. जिसको आपने वोट दिया है उसका सीरियल नंबर, लेट्स से मैंने एक बटन दबाया, जैसे मैं बटन दबाऊंगा वीवीपैट में एक लाइट जलेगी, उस लाइट के थ्रू आपको ये दिखाई देगा सिर्फ 7 सेकंड के लिए कि आपने किस कैंडिडेट को वोट दिया है, उसका सिंबल क्या है, उसका सीरियल नंबर क्या है. इससे क्या होता है, वेरिफिकेशन हो जाता है कि हाँ भैया तुमने जो वोट दिया है वो सही दिया है. उसके बाद ये जो लाइट में आपको दिखा, ये बेसिकली एक स्लिप होता है जो कि 7 सेकंड के लिए दिखता है, और उसके बाद वो नीचे बॉक्स में गिर जाता है, और इसका काम जो है वो बाद में होता है. अब होता क्या है, लेट्स से इलेक्शन कंप्लीट हो गया, इलेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया. अब कैसे पता चलेगा कि ईवीएम जो है वो सही है कि नहीं? तो इसके लिए यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने एक नियम निकाला है
कि ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हम कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बहुत सारे ईवीएम होंगे, कोई भी ईवीएम को रैंडमली हम, कोई भी पांच ईवीएम को हम सेलेक्ट करेंगे, उन पांच ईवीएम के वोट्स को, उन पांच ईवीएम के वोट्स को वीवीपैट के स्लिप से, वीवीपैट के स्लिप से मैच कराएंगे। अगर ये मैच हुआ यानी कि यहां पे ईवीएम में गड़बड़ी नहीं, अगर मैच नहीं हुआ यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की पूरी इलेक्शन को कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, ये फंडा है। अब यहां पे पीआईएल फाइल किया गया था बाय द ऑपोजिशन कि भैया ऐसा होना चाहिए कि वीवीपैट के ईच एंड एवरी स्लिप को गिना जाना चाहिए। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ मिली हो या प्रेजेंट गवर्नमेंट को फेवर कर रही हो, और उसने उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के उसी पांच ईवीएम को उठाया जिस ईवीएम में दिक्कत नहीं थी। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भैया, है ना। तो यहां पे देखिए पूरा मुद्दा है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया उसको समझते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स प्ली सिकिंग 100% वीवीपैट वेरिफिकेशन। वही बात मैंने आपको बोली कि भैया यहां पर डिमांड आ रही थी कि वीवीपैट के स्लिप्स को गिना जाए, है ना, ईवीएम को नहीं, वीवीपैट के स्लिप्स की काउंटिंग हो, वेरिफिकेशन हो, ठीक है, और कंप्लीट वेरिफिकेशन हो। अभी क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के पांच ईवीएम को उठाया जाता है। अब इनका कहना है कि भैया पूरी तरीके से 100% वेरिफिकेशन होने की जरूरत है। सो आइए, सो सबसे पहले इस आर्टिकल में हम न्यूज को डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे टाइमलाइन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वीवीपैट इन इंडिया, है ना। इंडिया में वीवीपैट को इंट्रोड्यूस कब किया गया, 2010 में। व्हाट हैव बीन द लीगल केसेस सराउंडिंग द वीवीपैट, वीवीपैट से रिलेटेड कौन से वो लीगल केसेस है। रीसेंट वीवीपैट ईवीएम टैली केस को भी डिस्कस करेंगे, व्हाट हैज एससी रूल्ड एंड वीवीपैट ईवीएम टैली केस। सो इन सभी मुद्दों के ऊपर आज हम बात करेंगे। चलिए, सो न्यूज ये है कि द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ 100% वेरिफिकेशन ऑफ वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल इन इंडियन इलेक्शन। तो यहां पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल को रिजेक्ट किया है कि भैया हम 100% वीवीपैट से चीजों को वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, वोट्स को वेरीफाई नहीं कर सकते। द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो रिजेक्टेड अ रिटर्न टू द अर्लियर बैलेट पेपर सिस्टम फॉर इलेक्शन, समथिंग विच ऑपोजिशन पार्टीज डिमांडेड इन द रिसेंट ईयर। ऑल्सो एक पीआईएल फाइल किया गया था जहां पे डिमांड किया गया था कि हमें बैलेट पेपर के तरफ दोबारा लौटने चाहिए, यानी कि इलेक्शंस ईवीएम के थ्रू ना होके बैलेट पेपर के थ्रू होना चाहिए। तो इन दोनों पीआईएल को, इन दोनों डिमांड को यहां पे रिजेक्ट कर दिया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब टाइमलाइन को समझते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ वीवीपैट, कैसे वीवीपैट को इंट्रोड्यूस किया गया। सो इंट्रोडक्शन, द आइडिया ऑफ वीवीपैट मशीन फर्स्ट इमर्ज इन द ईयर 2010, एज आई टोल्ड यू, व्हेन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हेल्ड अ मीटिंग विद पॉलिटिकल पार्टीज टू डिस्कस हाउ टू मेक द ईवीएम बेस्ड पोलिंग प्रोसेस मोर ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पे वीवीपैट की जरूरत क्या है, वीवीपैट की जरूरत है आपके वोट की वेरिफिकेशन करना। लेट से मैंने किसी मशीन पर ठप्पा लगाया नरेंद्र मोदी जी को, अब वो ठप्पा कहीं और लग गया, ये बात कैसे पता चलेगा आपको, तो ये बात वीवीपैट आपको बताएगा कि जैसे ही आपने यहाँ पे ठप्पा लगाया, एक वीवीपैट के स्क्रीन पे एक बल्ब जलेगा, एक स्लिप जनरेट होगा, उस स्लिप में, है ना, बल्ब है, यहाँ पे स्लिप जनरेट हुआ, ट्रांसपेरेंट है स्लिप, तो इस रोशनी से आपको यहाँ पे दिखेगा, आप सामने खड़े रहोगे, आपको दिखेगा कि आपने इस सीरियल नंबर की कैंडिडेट को वोट किया है, उनका ये सिंबल है और ये नाम है। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए वीवीपैट को इंट्रोड्यूस किया गया था। सबसे पहले ये आइडिया 2010 में आता है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सभी पॉलिटिकल पार्टी से कहती है कि भैया वीवीपैट कैसा रहेगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए। आफ्टर अ प्रोटोटाइप वाज प्रिपेयर्ड, फील्ड ट्रायल वे हेल्ड इन लद्दाख, तिरुवनंतपुरम, चेरापूंजी, ईस्ट दिल्ली एंड जैसलमेर इन 2011। तो सबसे पहले आइडिया आया 2010 में, बट इससे इंप्लीमेंट किया गया इन द ट्रायल बेसिस कहाँ कहाँ पे, लद्दाख के अंदर, तिरुवनंतपुरम के अंदर, चेरापूंजी के अंदर, ईस्ट दिल्ली एंड जैसलमेर के अंदर इन द ईयर 2011। अप्रूवल ऑफ डिजाइन की बात करूं, आफ्टर फाइन ट्यूनिंग द डिजाइन, होल्डिंग मोर ट्रायल्स एंड टेकिंग फीडबैक फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्सपर्ट कमिटी अप्रूव द डिजाइन इन 2013। इन 2013 द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 वे अमेंडेड टू अलाउ फॉर अ प्रिंटर विद अ ड्रॉप बॉक्स टू बी अटैच्ड टू द ईवीएम। तो यहाँ पे देखिए 2013 में फाइनली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक एक्सपर्ट कमिटी ने वीवीपैट के डिजाइन को अप्रूव किया,
उसके बाद 1961 के कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के अंदर अमेंडमेंट किया गया, जहां पे ईवीएम के साथ एक ड्रॉप बैक बॉक्स को भी अटैच किया गया जहां पे ये स्लिप गिरेगी। इंट्रोडक्शन की बात करूं, द वीवीपैट वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑल 21 पोलिंग स्टेशन ऑफ द नॉक्सन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ नागालैंड इन द ईयर 2013। तो सबसे पहले नागालैंड के सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वीवीपैट को इस्तेमाल किया गया इन द ईयर 2013। आफ्टर दिस द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस वीवीपैट इन अ फेस्ड मैनर एंड बाय 2017 देयर वाज 100% अडॉप्शन ऑफ वीवीपैट। तो 2017 सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया गया, सबसे पहले ये आइडिया आती है 2010 में, जिसके बाद 2011 में लद्दाख, चेरापुंजी, तिरुवनंतपुरम, इस दिल्ली एंड जैसलमेर के इलेक्शंस में इसे यूज किया गया। उसके बाद 2013 में इसके डिजाइन को अप्रूव किया गया, फिर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के अंदर अमेंडमेंट किया गया, ड्रॉप बॉक्स को अटैच किया गया ईवीएम के पास, ईवीएम के साथ, जहां पे स्लिप्स जनरेट होके नीचे गिरेंगी। उसके बाद 2013 में नागालैंड के सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन इसी के थ्रू हुए, वीवीपैट से क्या हुआ, टैली कराया गया। और उसके बाद 2017 में फेज धीरे धीरे फेज मैनर में फाइनली 100% वीवीपैट को अडॉप्ट कर लिया गया। इंटरनल ऑडिट ऑफ वीवीपैट स्लिप। In 2018, the Election Commission of India asked the Indian Statistical Institute to come up with a mathematical sound and practically cogent sample size for the internal audit of the VVPAT slip with electronic result of EVM. तो यहाँ पे देखिए, Election Commission of India ने 2018 में Indian Statistical Institute को बुलाया कि भैया आप लोग यहाँ पे VVPAT का and EVM को tally करा के देखिए। On the basis of which, the ECI mandated the counting of VVPAT slip of one randomly selected polling station per assembly constituency. This was increased to 5 polling station per assembly seat following us SC judgment in 2019. So earlier क्या हुआ? Initially एक constituency से एक EVM को उठाया जाता था और उसे VVPAT के counting से match कराया जाता था। 2019 में Supreme Court ने इस चीज को change किया और अब एक constituency से 5 EVM को उठाया जाता है और VVPAT के slips के through इसको match कराया जाता है और देखा जाता है कि भैया EVM में कोई दिक्कत है कि नहीं। The five polling stations are selected by a draw of lots by the returning officer concerned in the presence of candidate, their agents. तो यहाँ पे देखिए, अब वो polling stations कैसे decide किया जाएगा? तो यहाँ पे आपका candidate होगा, सभी candidates यहाँ पे मौजूद होंगे और randomly 5 constituencies को उठाए जाएंगे, जहाँ के sorry randomly 5 EVM को उठाए जाएंगे एक constituency के अंदर, ठीक है? देखो, ये आपका EVM हो गया, आपने वोट दिया भैया, और ये आपका वीवीपैट है जहां पे स्लिप होगा, ठीक है? स्लिप यहाँ पे आपको दिखेगा कि भैया आपने इस यहाँ पे सीरियल नंबर होगा, कैंडिडेट का नाम होगा एंड कैंडिडेट का सिंबल होगा, पीछे एक बल्ब लगा होगा, बल्ब के थ्रू आप देख पाओगे, सिर्फ सेकंड्स के लिए ये चीजें आप देख सकते हो, और जो ये स्लिप जनरेट हुआ ये यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स में जाके गिर जाएगा, ये है वीवीपैट, ठीक है? What have been the legal case surrounding the VVPAT? अब VVPAT से related कौन से वो legal cases है, कौन से वो demands है, उसके बारे में भी discussion कर लेते हैं। So Subramaniam Swamy versus Election Commission of India 2013 का एक judgment है। The Supreme Court ruled that paper trail was indispensable for free and fair election and ordered the government to provide funding for the roll out of VVPATs. ठीक है? चंद्र बाबू नायडू केस 2019, he moved the Supreme Court asking for a minimum 50% randomized VVPAT slip to be counted. तो यहाँ पे देखिए, 2019 में चंद्रबाबू नायडू केस में इन्होंने डिमांड किया कि भैया कम से कम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के 5 ईवीएम नहीं, कम से कम जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन हो रहे हैं, कम से कम 50% वीवीपैट को ईवीएम के वोट्स के थ्रू वेरीफाई करने की जरूरत है। However, the Election Commission of India argued that this would delay the election result by 5 to 6 days. फिर Election Commission ने बोला भी ये अगर ऐसा किया जाएगा तो ये इसमें काफी ज़्यादा समय लगने वाला है। As it takes about an hour for election officer to match VVPAT slip with the EVM count in one polling station, the Election Commission has also highlighted infrastructure challenges, including the availability of manpower, as obstacle to increasing the number of polling booths where VVPAT slips are counted. Opposition parties argue that the sanctity of a fair election outweighed the concern of delay in the declaration of result. The count order the EC to count VVPAT in 5 polling station instead. तो यहाँ पे देखिए, चंद्रबाबू नायडू केस में क्या हुआ भैया, इन्होंने बोला कि भैया एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 5 ईवीएम नहीं, कम से कम
एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के 50% या पूरे इलेक्शन में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं उनके 50% ईवीएम के वोट को वीवीपैट के स्लिप के साथ टैली किया जाना चाहिए, ठीक है, तभी हमें फेयर इलेक्शंस के बारे में पता चल पाएगा। बट यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्ग्यू करती है कि भैया अगर ऐसा होगा तो इलेक्शन रिजल्ट्स आने में 6 से 7 दिन का समय और ज्यादा लग जाएगा, साथ ही साथ बहुत ज्यादा मैन पावर की जरूरत है, बहुत ज्यादा फिर लोगों को रिक्रूट करने की भी जरूरत पड़ेगी। व्हाट वाज द रीसेंट वीवीपैट ईवीएम टैली केस? तो भैया रीसेंट केस क्या है, इन 2023 एडीआर हैड फाइल्ड अ पिटीशन बिफोर द अपेक्स कोर्ट सेइंग दैट टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन द टैली फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन डेटा ऑन वोट कास्ट शुड बी क्रॉस वेरीफाइड विद द वीवीपैट। तो यहाँ पे 2023 में एक पीआईएल फाइल होता है सुप्रीम कोर्ट पे, जहां पे ये डिमांड रखी जाती है कि 100% ईवीएम के वोट को टैली कराना चाहिए वीवीपैट के स्लिप के साथ अगर हमें फेयर इलेक्शन चाहिए तो। टू मेक श्योर दैट दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट एज फास्ट एज पॉसिबल एडीआर सजेस्टेड द यूज ऑफ बारकोड्स ऑन द वीवीपैट स्लिप। तो यहाँ पे चीजों को जल्दी से करने के लिए, है ना, इलेक्शन रिजल्ट में डिले ना हो, इसलिए वीवीपैट में बारकोड सिस्टम का भी इस्तेमाल करने का सजेशन यहाँ पे दिया गया था। सो व्हाट हैज सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन द वीवीपैट ईवीएम टैली केस? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसे समझते हैं। द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द डिमांड फॉर 100% वेरिफिकेशन ऑफ वीवीपैट इन इंडियन इलेक्शन एंड ऑल्सो रिजेक्टेड अ रिटर्न टू द अर्लियर बैलेट पेपर सिस्टम फॉर इलेक्शन थस रिपोजिंग फेथ इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर अपनी जो है विश्वास जताया है और 100% वीवीपैट एंड ईवीएम के वोट को मैच कराने की जो डिमांड थी उसको कैंसिल आउट किया है एंड ऑल्सो बैलेट पेपर से इलेक्शंस कराने की चीज को भी, डिमांड को भी यहाँ पे कैंसिल आउट किया है। फर्स्ट, और फिर कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दिए हैं, जैसे इन फर्स्ट द कोर्ट गिव डायरेक्शन टू द इलेक्शन कमीशन टू सील एंड स्टोर द संबल लोडिंग यूनिट फॉर 45 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। SLUs are memory unit that are first connected to a computer to load election symbol onto it and then used to enter symbol of the candidate on the VVPAT machine. तो यहाँ पे पहला direction तो ये दिया गया। दूसरा, Supreme Court has enabled candidate to seek verification of the EVM again a first. The burned memory in the EVM microcontroller must be checked by a team of engineers after results are declared. If candidate makes such a request within 7 days of the declaration of result. तो यहाँ पे देखिए verification within 7 days ये बात भी कही गई। सजेशन ऑन वीवीपैट क्या दिया, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एग्जामिन द सजेशन ऑफ वीवीपैट स्लिप कैन बी काउंटेड यूजिंग अ काउंटिंग मशीन रादर देन बाय ह्यूमंस। वीवीपैट स्लिप कुड हैव अ बारकोड प्रिंटेड ऑन देम मेकिंग इट इजियर फॉर मशीन काउंटिंग। यहां पे ये सजेशन दिया गया कि इट्स अप टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अगर वो चाहे तो 100% वीवीपैट की चीजों को या ईवीएम की वोट एंड वीवीपैट की स्लिप्स को मैच करा सकते हैं और वीवीपैट में बारकोड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डायरेक्शन कौन दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट या अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो ये था आज का हमारा तीसरा और आखिरी न्यूज। आई होप ये तीनों न्यूज आपको कंफर्म हो गएंगे। पहले न्यूज हमने देखा, पहले न्यूज में हमने क्या डिस्कस किया भैया, तो पहले न्यूज में हमने डिस्कस किया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट जो ये कहता है कि सबसे ज्यादा 70% लेबर्स एक्सपोज होने वाले हैं, है ना, ड्यू टू एक्सेसिव हीट या ड्यू टू क्लाइमेट चेंज या ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। साथ ही साथ आईएलओ ने कुछ सजेशंस दिए हैं कि कैसे इन चीजों को, कैसे ये प्रॉब्लम को इराडिकेट किया जा सकता है। दूसरे न्यूज में हमने डिस्कस किया प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड बातें कि कैसे प्लास्टिक पॉल्यूशन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ग्रीन हाउस गैस एमिशन होगा तो भैया क्या होगा, तो क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, यानी कि पहली न्यूज सेकंड न्यूज कनेक्ट हो गई, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस वाले सिचुएशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा गर्मी होगी, ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो ग्लेशियर का पानी जिस लेक में जा रहा है, लेट्स से हर साल 5 लीटर पानी ग्लेशियर से पिघल रहा है, ठीक है, बट एक्सट्रीम जब वेदर कंडीशन होगा तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो 5 लीटर की जगह 20 लीटर पानी, है ना, उन ग्लेशियर से लेक से होके जाएगा तो हो सकता है यहाँ पे फ्लड का सिचुएशन भी आ जाए जिसे हम ग्लोफ का सिचुएशन कहते हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, है ना। और ऐसे ही एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से होने वाली बहुत सारी दिक्कतें भी हैं, सूखा पड़ सकता है, फ्लड आ सकते हैं, सुनामी आ सकता है,
अर्थक्वेक आ सकता है। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है क्लाइमेट चेंज या फिर एनवायरमेंट की दिक्कतों से रिलेटेड। तो यहाँ पे प्लास्टिक पॉल्यूशन के ऊपर एक मीटिंग होने वाली है जो कि फोर्थ नेगोशिएशन की मीटिंग है। इसके बाद एक और मीटिंग होने वाली है, ठीक है। तो पांचवे मीटिंग में या 2024 के एंड तक सभी कंट्रीज 193 मेंबर कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस ये लोग एक मुद्दे पे आ जाएंगे। अगर सभी डिसाइड करते हैं तो एक मुद्दे पे आ जाएंगे, उन मतलब एक ब्लूप्रिंट पे आ जाएंगे कैसे हम प्लास्टिक पॉल्यूशन को इराडिकेट कर सकते हैं। तीसरी न्यूज में हमने डिस्कस किया कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट जहां पे सुप्रीम कोर्ट के सामने दो पीआईएल फाइल की गई थी। पहली डिमांड थी कि भैया अभी क्या होता है कि इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन के बाद जो जो वोट काउंट होता है उस वोट काउंटिंग के दौरान एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से रैंडमली पांच ईवीएम को उठाया जाता है, उस पांच ईवीएम के वोट को वीवीपैट स्लिप से मैच कराया जाता है कि भैया आपने जो इसको बंदे को वोट दिया था वो डला कि नहीं। अगर ये मैच हो गया तो यानी कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर सभी ईवीएम ठीक थे, नहीं हुआ तो वहां की इलेक्शन को कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है। अब डिमांड ये थी कि भैया डिमांड ये थी कि 100% वेरिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से पांच ईवीएम नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जितने भी ईवीएम है उनको वेरीफाई करने की जरूरत थी। दूसरा पीआईएल फाइल किया गया था कि भैया हमें दोबारा से बैलेट पेपर की तरफ वापस जाना चाहिए, है ना, बैलेट पेपर जिससे पहले इलेक्शंस हुए करते थे बिफोर द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ये हमारा आज का दूसरा न्यूज है, ठीक है। सो आई होप ये तीनों न्यूज आप सभी को कंफर्म हो गए होंगे, ठीक है, ये तीनों न्यूज आप सभी को कंफर्म हो गए होंगे। आईएलओ के बारे में भी हमने डिस्कस किया कि एक ऐसी बॉडी है जो कि लेबर राइट्स के लिए फाइट करती है, ठीक है, लेबर राइट लेबर के राइट के प्रोटेक्शन के लिए फाइट करती है, जिसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। दिस पर्टिकुलर बॉडी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1919, ठीक है। सो यहां तक आज के सेशन को रखते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको ये पीडीएफ जो है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाके मिल जाएगा, testzone.smartkeda.com पे आप विजिट करेंगे तो आपको टेस्ट सीरीज, स्पेशल कोर्सेज एंड ये पीडीएफ भी अवेलेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आज के सेशन को रखते हैं, मिलते हैं कल कल नहीं मंडे को दो और इम्पोर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक के लिए मैं शिवम सिंह अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।